जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके फास्ट एजुकेशन में। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एफकेट के कंप्लीट सिलेबस विद इजी स्टेप और टॉपिक बाय टॉपिक, जिसमें हमने सारे एफकेट के कंप्लीट सिलेबस को कवर किया हुआ है और आपको हम इसके पीडीएफ भी देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसके लेक्चर्स अपलोड करें या फिर इसके जो नोटिफिकेशन है आपके पास पहुंच सके नेक्स्ट वीडियो जो भी हम अपलोड करते हैं, तो आपको क्या करना होगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जी हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन में बटन जरूर दबा लीजिए ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं सिलेबस। तो सबसे पहले हमारा पहला सिलेबस जो है क्या है, इंग्लिश है। जी हाँ, इंग्लिश। इंग्लिश में आपके टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं इंग्लिश से। जी हाँ, 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप जो है इसी के सहारे जो है एफकेट क्लियर भी कर पाएंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चंस का मतलब ये होता है 19 नंबर्स, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं टॉपिक। तो सबसे पहला जो हमारा इसमें टॉपिक आता है जो एफकेट का है, इसमें है एरर डिटेक्शन। जी हाँ, इसका क्या नाम है, एरर डिटेक्शन, जो आप ध्यान से पढ़ेंगे और एरर डिटेक्शन से जो है आपके कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद से हमारा आता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट एंड करेक्शन, जिससे हमारे कहां कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे। फिर हम देखेंगे हमारे कौन से क्वेश्चन आते हैं, फिलर्स। जी हाँ, फिलर्स आते हैं। फिलर्स के बाद हम देखेंगे अगला जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जी हाँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे। फिर उसके बाद से एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। जी हाँ, ये दोनों 2 पार्ट में है, लेकिन जो है ये सबसे जो है लेंदी होता है। जी हाँ, ये जो टॉपिक है बहुत ही टफ होता है और एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की कोई लिमिट नहीं होती है। एक बात ये जान जाइए, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की कोई लिमिट नहीं होती है। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, आपको क्या करना है, डेली जो है द हिंदू जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है उसको पढ़ना है और उसमें से आपको मिनिमम 20 जो है क्या वोकैब, 20 वोकैब क्या करने हैं, तैयार करने हैं। और आपको ये कितने दिन करने हैं, टोटल जितने भी दिन आपके एफकेट के बच्चे हों एग्जाम उतने दिन करने हैं। और मैं यहाँ पे 100 डे का टारगेट बता रहा हूँ। 100 डे का मतलब 100 × 20 आप कर सकते हैं और आप देखोगे कि आप कितना सारा वर्ड मीनिंग सीख सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए अब अगला देखते हैं, अगला कौन सा टॉपिक है। तो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के बाद से जो है हमारा है क्या, फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स। फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स का मतलब ये है कि जो मुहावरे और रोकोक्तियां होती हैं वो होती हैं, ठीक है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी 2 क्वेश्चन आते हैं। फिर है कॉमनली मिस स्पेल्ड वर्ड, जो हमें जो हमारे सेंटेंस में कुछ गलत रहेंगे उसको हमें उसमें हमें मिसिंग को क्या करना है, पहचानना कि क्या गलत है उसमें। फिर है रीडिंग कम्प्रिहेंशन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है और हाइएस्ट नंबर इसी टॉपिक से निकलते हैं। जी हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट और हाइएस्ट नंबर, ये भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लगभग 6 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। देन उसके बाद से जो है हमारा सिलेबस है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से 3 क्वेश्चन आते हैं। और फिर है पैरा जम्बल्ड, यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो ये रहा हमारा इंग्लिश का सिलेबस। ध्यान रहे आपको बता दें कि इंग्लिश के जो सिलेबस हैं इसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे। अगर हम कैलकुलेट करें तो 30 × कितना, 3 नंबर, कितने हो जाएंगे हमारे, 90 नंबर्स हो जाएंगे। जी हाँ, ध्यान रखिएगा 90 नंबर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है 90 नंबर, ठीक है ना। और एफकेट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है इस साल मेरे हिसाब से जो जाएगा 162 के आसपास में रहेगा, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश आपको सीरियसली पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद से चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल एबिलिटी। क्या है, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ, जिससे आते हैं आपके कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ, न्यूमेरिकल एबिलिटी से आपके आएंगे 20 क्वेश्चन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही सेफ होता है, क्योंकि आप मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप उसमें कोई तुक्का मार नहीं सकते। आपको अगर सॉल्यूशन आता है तो सॉल्यूशन कीजिए और नंबर लेकर जाइए। जी हाँ, अगर आप देखेंगे तो 20 क्वेश्चन का मतलब ये हो जाएगा आपके कितने नंबर, 60 नंबर। कितने नंबर, 60। तो ध्यान दीजिएगा, 60 नंबर यानी कि 90 और 60, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 150। बस हमने एफकेट क्लियर कर लिया भैया, हम उसके पास आ चुके हैं, अब हमें कुछ करना नहीं है, ठीक है ना।
90 और 60 कितने हो गए, 100। हमने एफकेट क्लियर कर लिया भैया, बस हमें 10 नंबर की जरूरत है, ठीक है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि मैथ से 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन को कंप्लीट करके आए, ठीक है। तो आइए इसके टॉपिक देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है, बहुत इजी है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बाद है हमारा डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन के साथ साथ है परसेंटेज। परसेंटेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें है, क्योंकि इससे जो है दो क्वेश्चन आएंगे परसेंटेज से, और यहाँ से इससे एक क्वेश्चन आएंगे और इससे एक क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए इसके बाद से क्या है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस। जी हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा चैप्टर है जिससे तीन क्वेश्चन आपके आएंगे, एंड प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट है डिस्काउंट। जी हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट है डिस्काउंट, लेकिन इसको हम अलग पढ़ेंगे, डिस्काउंट का एक अलग हम चैप्टर बना के पढ़ेंगे, ताकि जो है हम सारे क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर पाए, ठीक है ना। फिर उसके बाद से हमारा आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जी हाँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देन उसके बाद से है मिक्सर एंड एलिगेशन। मिक्सर एंड एलिगेशन वाली क्वेश्चन, जिसमें हम लोग लिक्विड चीजों को दो टैंक होते हैं एक में मिलाते हैं, यही सब जो है इस टॉपिक में आते हैं। फिर है वर्क एंड टाइम, यानी कि कार्य और समय। फिर हम इस वर्क एंड टाइम से ही रिलेटेड है पाइप्स एंड सर्टेन, यानी कि टंकी में पानी कितना भरा कितना निकला, ये वाले क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं। फिर है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, इससे भी तीन क्वेश्चन कन्फर्म है, और ये स्पीड टाइम और डिस्टेंस के पार्ट होते हैं ट्रेन बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है ना। स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के पार्ट होते हैं ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रीम। हालांकि देखा जाए इस साल जो है बोट एंड स्ट्रीम से जो है क्वेश्चंस नहीं आए थे, बहुत ही कम आए थे, या फिर आए ही ना के बराबर आए थे, ठीक है ना। ट्रेन से क्वेश्चन अच्छे आए थे, दो क्वेश्चन आए थे। फिर उसके बाद से हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट। जी हाँ, सिंपल इंटरेस्ट से वन क्वेश्चन और एक क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही इजी है, कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा लेंदी है, बट वो भी आप समझोगे तो हो जाएगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब किए रहना है, और मैं वीडियो अपलोड करते रहूंगा हर टॉपिक पे, और आपको उसको देखना है और प्रैक्टिस करना है। जी हाँ, एक चीज जरूर जान जाइए, अगर आपको एफकेट क्लियर करना है तो प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट। जी हाँ, प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्टडी, ठीक है ना। अब देखिए प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एज, सॉरी माफ कीजिएगा, एक एवरेज, एवरेज भी है इसमें, एवरेज को पढ़ेंगे आप। फिर उसके बाद से प्रॉब्लम्स ऑन एज, एवरेज का ही छोटा सा पार्ट है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एज, ठीक है ना। फिर है क्लॉक्स, क्लॉक्स जो है न्यू एड हुआ है, जी हाँ इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जो क्लॉक्स वाला जो चैप्टर है, जी हाँ टॉपिक है, ये न्यू एड हुआ है, ठीक है ना, क्लॉक्स। और उसके बाद से क्या ऐड हुआ न्यू वाला, एरिया एंड पैरामीटर, ठीक है। देन उसके बाद से प्रोबेबिलिटी, ये भी ऐड हुआ हमारा, ठीक है। चलिए तो हमारा ये हो गया यहाँ पे मैथ। तो हमने कितने देखिए, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन देख लिए, उसके बाद से मैथ के भी 20 देख लिए, हमारे कितने हो गए 50 क्वेश्चन, यानी कि 150 नंबर हमारे हो चुके हैं, ठीक है ना। कितने नंबर हो चुके हैं हमारे, 150 नंबर हमारे हो चुके हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये नंबर्स हैं, क्या है नंबर्स हैं, और ये हमारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। ये है इंग्लिश के और ये है क्या मैथ्स के, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला देखते हैं क्या है पार्ट हमारा, अगला है हमारा रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट नंबर्स गेनिंग सब्जेक्ट, जो कि बहुत ही इजी है और बहुत ही मोस्ट, मतलब अगर यहाँ से जो है टोटल आते हैं कितने क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ, 25 क्वेश्चन, और आप चाहो तो यहाँ से 75 लेकर जा सकते हो बिना कुछ किए हुए। बस इंग्लिश में मानते हैं एक दो छूट सकते हैं, गलत हो सकते हैं, मैथ में एक दो छूट सकते हैं, लेकिन यहाँ से 75 नंबर, इसको कन्फर्म कर लीजिए, इस पर प्रैक्टिस करना आपको बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। तो चलिए आइए अब इसके टॉपिक देखते हैं हम। तो देखिए इसके टॉपिक हम देखेंगे अब। तो सबसे जो है हमारा पहला पहला हमारा टॉपिक क्या रहेगा, इसमें है सीरीज। जी हाँ, सीरीज पहले चैप्टर का हमारा क्या नाम है, सीरीज। ध्यान रहे लेक्चर्स में सारे अपलोड करूंगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद से है मिसिंग वैल्यू इन फिगर, यानी कि कोई फिगर होगा उसमें कुछ मिसिंग नंबर्स होंगे, ठीक है ना, उसमें आपको फिल करना रहेगा। फिर है एनालॉगी। अब देखिए एनालॉगी, जी हाँ, जिस तरह इंग्लिश में सिनोनिम्स है एंटोनिम्स है, उसी तरह रीजनिंग में एनालॉगी, ठीक है ना। एनालॉगी बहुत ही टफ होता है, टफ समझिए, इसमें आपको वर्ड मीनिंग की जरूरत पड़ेगी, और वर्ड मीनिंग का मतलब यही है कि आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगला क्या चैप्टर है हमारा,
देखिए अगला है हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग। जी हाँ, कोडिंग एंड डिकोडिंग। फिर उसके बाद से क्या है, ऑड वन आउट है, ठीक है, जिसमें हमें चार ऑप्शन मिलेंगे, एक को निकालना रहेगा बाहर, ठीक है ना, जो क्या होगा, या तो करेक्ट होगा या फिर इनकरेक्ट होगा वो। फिर है ब्लड रिलेशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यू ऐड हुआ है, हालांकि इससे दो है, दो 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 से तीन क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है ना। ऑड वन आउट से दो क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से दो क्वेश्चन है, एनालॉगी से तीन क्वेश्चन आते हैं। फिर उसमें डायरेक्शंस, जी हाँ डायरेक्शंस हो गए। डायरेक्शंस का मतलब हो जाएगा कि मान लीजिए रमेश है, वो 4 किलोमीटर नॉर्थ जाता है, फिर साउथ जाता है, फिर लेफ्ट जाता है, ये सब चीजें, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन इसमें आते हैं डायरेक्शंस में। चलिए अब है लॉजिकल वेन डायग्राम। लॉजिकल वेन डायग्राम में क्या होता है, इसमें रिलेशन बनाना होता है, जैसे तीन पीपल रहते हैं, कितने रहते हैं, तीन पीपल, जैसे मान लीजिए डॉक्टर हो गया, मैन हो गया, और क्या हो गया, वोमैन हो गया, ठीक है। तो मानते हैं ये डॉक्टर, सॉरी इसको मानते हैं मैन, ये मैन हो गया, उसके बाद से कुछ मैन डॉक्टर होंगे, ठीक है ना, कुछ मैन क्या होंगे, डॉक्टर होंगे, और कुछ क्या कहेंगे, कुछ वोमैन भी डॉक्टर होंगे, ठीक है ना। तो ये रहा। तो अब देखिए अगला क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। जी हाँ मैथमेटिकल ऑपरेशन। फिर उसके बाद से क्या है, नॉन वर्बल रीजनिंग है। जी हाँ आपको इसको डिटेल के साथ में पढ़ाऊंगा, आपको बस चैनल सब्सक्राइब किए रहना है। फिर है ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग में कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लीजिए कि रमन है, ठीक है ना, रमन जो है लेफ्ट से 7वें नंबर पे है, ठीक है, और राइट से 13वें नंबर पे, तो बताइए उस क्लास में टोटल या फिर उस लाइन में टोटल बच्चों की संख्या कितनी है। तो इजी है, बस आपको समझना है। फिर उसके बाद से है रैंकिंग एंड सीटिंग अरेंजमेंट, सेम वही है, ऑर्डर एंड रैंकिंग के साथ ही है। अब यहाँ आइए देखते हैं आपका लास्ट और सबसे टफ। जी हाँ जो सबसे इजी तो दिखता है लेकिन सबसे टफ है ये, जो है जनरल अवेयरनेस। इसको कोई भी सॉल्व अच्छे से नहीं कर सकता, ये जितना पढ़े रहेंगे उतना ही कर सकते हैं, और पेपर में कभी भी जनरल अवेयरनेस को पहले करना चाहिए, और मैं जनरल अवेयरनेस करने के लिए आपको मैक्सिमम 10 मिनट लेने चाहिए, उसके बाद आपको हट जाने चाहिए, क्योंकि जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपको आता है तो कीजिए, नहीं तो हटिए, ठीक है ना, क्योंकि आप उस पर तुक्का नहीं लगा सकते। और देखिए जनरल अवेयरनेस को पढ़ने का मैं सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया ट्रिक मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए आपको इसमें क्या करना पड़ेगा जनरल अवेयरनेस में, तो देखिए जैसे जनरल अवेयरनेस में क्या है, एक मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ध्यान रहे ये भी 75 नंबर्स के हैं, ठीक है ना, तो 90 प्लस 60 प्लस रीजनिंग से 75 प्लस इसे 75, हो गए 300 नंबर्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि नंबर्स कौन कौन आपको देंगे, एक है इंग्लिश जो कि आप पढ़ेंगे तो और कवर कर सकते हैं 90 नंबर, फिर आपका मैथ 60 नंबर, वहां से छूटने नहीं चाहिए, फिर है रीजनिंग, अगर आप 75 रीजनिंग के भी ले सकते हो, क्या कर सकते हैं, 75 रीजनिंग के ले लीजिए और 60 मैथ के ले लीजिए, तो कितने हो जाएंगे, 135 मार्क्स दिए थे हो जाएंगे। फिर आपको इंग्लिश से भी कुछ क्वेश्चन कर लीजिए, बस आपको जो है उन्हीं तीन सब्जेक्ट पे कवर करना है, ठीक है ना, वो आपके 100% प्रिपेयर होने चाहिए। फिर उसके बाद से आता है आपका जीएस। जीएस वाले पार्ट में आप क्या करेंगे, आप हाई स्कूल की बुक लेंगे, ठीक है ना, या फिर आपको ये कैसी बुक लेंगे जिसमें फिजिक्स भी हो, केमिस्ट्री भी हो और बायोलॉजी भी हो, ठीक है ना, ये तीनों हो, यहाँ से जो है फिजिक्स से एक, बायोलॉजी से एक और केमिस्ट्री से एक बस, या फिर दो दो मान सकते हैं, ठीक है ना, इतने क्वेश्चन आते हैं। फिर ये तीनों तो आप पढ़ोगे पढ़ोगे, ठीक है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिर उसके बाद से अगर आप एक बीए की स्टूडेंट हो तो आपकी पॉलिटी स्ट्रांग होगी ही, अगर जियोग्राफी स्ट्रांग होगी, हिस्ट्री स्ट्रांग होगी, इकोनॉमिक्स स्ट्रांग होगी। बाकी अगर मैथ के स्टूडेंट्स हैं, बीटेक वाले स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करेंगे, पहले तो इन तीनों को कवर करेंगे, ठीक है, उसके बाद से हिस्ट्री जियोग्राफी और पॉलिटी। जी हाँ हिस्ट्री जियोग्राफी और पॉलिटी, आप इसके सिर्फ मॉक लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मॉक टेस्ट, इसके आप मॉक लगाएंगे, तो आप क्वेश्चंस खोजेंगे, बहुत सारी वेबसाइटें हैं, आप वहां से जाके मॉक्स लगा सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक अच्छा मॉक देने वाला प्लेटफॉर्म बताऊं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्या देखते हैं, जीएस, ध्यान दीजिएगा ये भी 75 नंबर का है जीएस। अगर यहाँ से हम मानते हैं अगर 10 क्वेश्चन भी कर लेना, कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, हमारे 30 नंबर यहाँ पे कंफर्म है, ठीक है ना, कितने नंबर, 30 नंबर।
तो इस बार हम एफकेट अच्छे से क्लियर करेंगे, टारगेट रखेंगे 240 का, 240 प्लस तो अपन करके ही रहेंगे, ठीक है ना। अब आइए आखिरी जो बचा, जो मतलब बहुत ही टफ भी नहीं है और बहुत ही इजी भी नहीं है, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके से लगभग जो है 10 क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि देखिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे हमने देखा ना पॉलिटी हिस्ट्री और ये, मतलब ये जीके में भी आएगा स्टैटिक जीके, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ये जीके पांचवा सब्जेक्ट है, नहीं, ये फोर्थ सब्जेक्ट, फोर्थ मतलब जीके का ही पार्ट है जी, लेकिन इसको स्टैटिक जीके बोलते हैं, जिससे लगभग 10 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इसमें आपको देखिए मैं टॉपिक कौन कौन सा कवर करना है, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ फर्स्ट इन इंडिया मेल, हमारे चैनल पे इसका वीडियो अपलोडेड है, आप चाहें तो आसानी से देख सकते हैं। फिर है लिस्ट ऑफ फर्स्ट इन इंडिया फीमेल, इसके भी वीडियोज हैं, आप कमेंट करेंगे तो मैं इन सारे टॉपिकों पे वीडियो बनाकर आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है ना। फिर है हिस्टोरिकल मोमेंट्स ऑफ इंडिया, द नोबल प्राइज, नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, मैप नेशनल, आप इसके नोट्स बनाएंगे, आप इसके नोट्स बनाएंगे, ध्यान दें, आप इसके नोट्स बिल्कुल बनाएंगे, स्टैटिक जीके के तो पक्का नोट्स बनाने हैं आपको, ठीक है ना। फिर है पार्टी इंडिया, क्योंकि ये हर एग्जाम में काम आने वाला है। फिर है लिस्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, देन है द डिफेंस ऑफ इंडिया, फिर है अवार्ड इन इंडिया, फिर है सिटी एंड फाउंडर, फिर है कलर रिवॉल्यूशन इन इंडिया, फिर है डिफेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फिर नीचे देखते हैं, फिर है फेमस प्लेसेस एसोसिएटेड एनिमेंट प्रशंस, फिर है उसके बाद से फॉल क्लासिकल डांस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लगभग ये क्वेश्चन आते हैं, मतलब सबसे जो है कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। जैसे सिटीज एंड फाउंडर्स भी शायद ये क्वेश्चन आ सकते हैं, कलर्स इन इंडिया ये कम आ सकते हैं, लिस्ट ऑफ पार्लियामेंट यहाँ से भी ये क्वेश्चन आएंगे, जो कि ये पॉलिटी का हिस्सा है, ठीक है ना। अब देखिए इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल डे, यहाँ से तो क्वेश्चन आते ही है शायद एक क्वेश्चन। फिर है इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड देयर एक्सपीरियंस, यहाँ से भी आते हैं, इंडियन स्पेस सेंटर जी हाँ इसरो, उसके बाद से है इंडियन स्टेट फाउंडेशन डे, फिर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, देन है जनपथ अवार्ड, अवार्ड वाला जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर है लिस्ट ऑफ वर्ल्ड फेमस न्यूज़पेपर, जी हाँ, फिर है नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, निकनेम्स ऑफ फेमस पर्सन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉपुलर सिटी ऑफ इंडिया ये भी इंपॉर्टेंट है, पावर प्लांट इंडिया इंपॉर्टेंट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इन इंडिया ये भी इंपॉर्टेंट है, सेवन वंडर्स ठीक है थोड़ा बहुत, फिर है सॉबिक्रिट, फिर है यूनेस्को, उसके बाद से क्या है वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि जियोग्राफी का पार्ट है, फिर है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डिकेड्स, फिर उसके बाद से क्या है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर्स, फिर ओलंपिक गेम्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, जी हाँ ओलंपिक गेम्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको कर लीजिएगा, ओलंपिक गेम्स को मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा ओलंपिक गेम्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, ओलंपिक गेम्स जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। फिर है कॉमनवेल्थ गेम्स, ये भी इस साल के एफकेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम में बहुत सारे गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। फिर है द एशियन गेम, फिर नेशनल स्पोर्ट, फिर है नंबर्स ऑफ प्लेयर इन ईच टीम, ये तो आई थिंक सबको पता है ये कितने प्लेयर्स होते हैं, ये बहुत ही ईजी होता है। फिर है स्पोर्ट्स प्लेग्राउंड, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देन उसके बाद से स्पोर्ट्स पर्सन, फिर है लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन एंड ट्रॉफी, फिर है स्टेडियम्स, ठीक है ना। ये इतने सारे जो है हमारे एफकेट के सिलेबस हैं, और आइए मैं आपको दिखाता हूँ ऐड करके हमने कैसे क्या करना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है इंग्लिश, इंग्लिश से हमारे कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद से प्लस करते हैं, क्या करते हैं प्लस करते हैं, फिर हमारा आता है मैथ, मैथ से कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, जी हाँ मैथ से कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। फिर उसके बाद से क्या करेंगे प्लस करेंगे, सॉरी प्लस करते हैं, उसके बाद से रीजनिंग, रीजनिंग से कितने क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन 25 क्वेश्चन। फिर उसके बाद से फिर प्लस करते हैं, फिर उसके बाद से आता है हमारा जीके यानी जीएस, वहां से 25 क्वेश्चन, अगर हम चाहें, यहाँ अगर हम चाहें तो इंग्लिश मैथ और रीजनिंग,
इन सभी से हम अपना एफकेट क्लियर कर सकते हैं। बट कभी कभार ऐसा होता है ना कि हमें एक दो क्वेश्चन नहीं आते हैं या फिर हम कुछ मतलब गड़बड़ कर देते हैं, तो इसीलिए हम जीएस पढ़ेंगे। जी हाँ, जीएस भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम 10 क्वेश्चन जीएस से भी कर लेते हैं, जी हाँ 10 क्वेश्चन, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे कैलकुलेटर अगर ऑन करें, अगर हम 10 क्वेश्चन अगर जीएस से कर लें, ठीक है 10 जीएस से कर लेते हैं, फिर उसके बाद से मानते हैं 20 मैथ्स से तो करने ही भाई, ये हो गया 20, ठीक। अब टोटल कितना हो गया, 30 क्वेश्चन हमने कर लिए। फिर हमने रीजनिंग से 25 क्वेश्चन ये भी कर लिए, अब हमारे कितने हो गए, 55 क्वेश्चन हो गए। जी हाँ 55 क्वेश्चन। उसके बाद से जीएस हमने कर लिया 10 क्वेश्चन, फिर उसके बाद से रीजनिंग से कर लिया 25 क्वेश्चन, और उसके बाद से मैथ्स भी कर लिया। अगर हम इंग्लिश में जो है, इंग्लिश में अगर हम 30 क्वेश्चन में अगर 20 भी कर दें, क्या कहते हैं उसको, कॉम्प्रिहेंशन और बहुत सारे इजी टॉपिक हैं, तो हमारे कितने हो जाएंगे, 75। अब इनको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए एक बार, ये देखिए 225, ये आपका मतलब मैं लोएस्ट बता रहा हूँ, आप चाहें तो 260 प्लस क्रैक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए अपने उसी उसी पेज पे चलते हैं, तो ध्यान रहे आपको इसका ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको जो भी चैप्टर के टॉपिक्स चाहिए, उसके लेक्चर्स चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ कि नहीं हुआ। हाँ अगर आपको इस वीडियो का जो है, ध्यान रहे अगर आपको इस वीडियो का लिंक मतलब लिंक चाहिए, तो आप इधर भी कहीं भी 3 डॉट पे क्लिक करके शेयर कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, आपको प्रिंट कराना है, तो इस पीडीएफ को अगर आपको ये चाहिए, आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम पे जाना होगा। टेलीग्राम पे जाने के बाद कुछ नहीं, आपको सर्च करना होगा जीके फास्ट एजुकेशन, और आपको कुछ इस टाइप का जो है सिंबल दिखेगा, ठीक है क्लिक कीजिए और आपको वहाँ पे ये पीडीएफ अवेलेबल मिलेगा। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, ऑल द बेस्ट। चलो इस बार एफकेट क्लियर कर देते हैं।